गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और क्या बोलते हैं, आज मेरे ख्याल से इसका आप खोल देते हैं, क्योंकि अब सील भी इसका डालने का है, चेंज करने का है मशीन का। सोच रहा हूँ ये जो पीछे खड़ा है डीजे वाला मशीन, इसमें भी हफ निकाल के इसका भी सील चेंज कर देता हूँ फटाफट। और आधा घंटा बचा है, शोरूम वाले का भी वीवो केयर का भी टाइम हो रहा है खुलने का, वो खुल गया तो उसको भी एक बार कॉल करके पूछता हूँ भाई डिस्प्ले आया कि नहीं आया। डिस्प्ले आया होगा तो इसको चेंज करा देगा, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है, फ़ोन पूरा फूटा फूटा रखा है ना, इसके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। और क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑटो नगर भी जाना है, मेरा लारी का मशीन ख़राब हो गया है, उसका थोड़ा रिपेयर करा के लेके आता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा चाय बन रहा है, चाय पीता हूँ, फिर थोड़ा सा रेडी होता हूँ, ठीक है, मस्त आराम से। जो गाड़ी कल चल के आई थी वो जा रही है महाराष्ट्र लातूर। निकाल दो पूरा ग्रीस गन, ग्रीस ग्रीस गन, जैक, बिलपाना, राड, टूल बॉक्स, पूरा सेट, कटिंग प्लेयर, स्क्रू ड्राइवर, पूरा सामान। और स्टेपनी, स्टेपनी भी निकाल के रखो। जो गाड़ी कल चल के आई वही जा रही है लातूर में, एक जगह बात हुई है, महाराष्ट्र में जा रही है गाड़ी। फटाफट मीटर तो लगा था, बस प्रिंटर और रेडी कर रहा हूँ उसको चेक करके, प्रिंटर को, प्रिंटर को फिट कर रहा हूँ, फिर फटाफट साइड पर भेजने का है। देखो अगर टेलर आ जाया तो आज ही भेज देंगे, ठीक है। प्रिंटर रखा है, इसको मैं चेक करता हूँ एक बार पहले, थोड़ा सा काम बचा है इसमें। देखो इसमें थोड़ा सा पेपर भी फंसा हुआ था, वो भी निकाला, इसमें भी है थोड़ा सा काम। और टेबल पे रखा है, ले गया ऑफिस में, पेपर लाया है, देखो अगर हो जाए जुगाड़ तो। बैटरी रखा था रूम में एक, मैंने ला, चेक भी हो जाएगा। वैसे तो चल तो रहा है, नहीं चल रहा है, मगर पेपर फंस रहा था इसमें पहले, अभी फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है वो एक बार चेक करना है खाली। चलने का साउंड आ रहा है, बराबर चल रहा है, मगर पेपर फंस रहा है इसमें। और कार्बन भी रखा हुआ है, फटाफट देखते हैं और फिटिंग करते हैं। मिला, लाओ लाओ लाओ, चलो इसको फिटिंग करता हूँ फिर मिलता हूँ। प्रिंटर तो रेडी कर दिया, पूरे 2 घंटे लगे हैं प्रिंटर रेडी करने के लिए, और फिटिंग कर रहा है। अभी एक प्रेशर ट्रांजेक्शन जो केबल रहता है वो भी थोड़ा शॉर्ट था, मैं उसको भी थोड़ा छील छाल के जुगाड़ किया। और सुबह एक लगाया इसमें मीटर, क्या बोलते हैं वो मीटर जो ऊपर लगा है, वो ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, इसके लिए फिर खोल के फेंका। ये दूसरा एक और था हमारे पास, इसको लगाया फिर, ओ इसको निकाल दिया, ये ऑन ही नहीं हो रहा है, ये इसको दूसरा लगाया खोल के, फिर इसकी वायरिंग करनी है। हाँ क्या, पिन तो निकालो पहले, क्या आदमी हो यार, कि जाए निकालो पिन तो निकालो, पिन निकालो नहीं पहले, पिन ठोक दे तेको का, एक पे एक साइड से निकाल दे पहले यार, का सुस्ताज बनो यार तुम सुबह लगे। फटाफट जो रेडी कर रहा है, सेंसर केबल भी नहीं डाल दी, पुरानी तो कट ही गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से इसका वेट मीटर काम नहीं कर रहा है, कर क्या रहा है, चालू नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा, इसकी वजह से ऐसे ही पड़ा था तो यूज में नहीं। अब बाकी आज लगे हैं, पूरा प्रिंटर ने सबसे ज़्यादा टाइम खा लिया, और मीटर ने, मीटर सुबह फिट किया इसका, और सुबह फिट करने के बाद ऑन हो गया, अभी ऑन कर रहा है तो ऑन नहीं है, फिर खोला, फिर दूसरा डाला, अब जाके काम कर रहा है, हो गया। एक आ जा नीचे, नीचे नहीं तो रहे, नहीं ऊपर ही रहे, साइड में हो जा, एक बार चेक कर लेता हूँ स्लिप निकाल के, केबल लगा के, ठीक आ रहा है करंट की नहीं आ रहा है, ठीक है। कहाँ है इसकी केबल, मुझे ये चालू भगवान ने पता लगा, अब जरूरी है बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, चालू प्रिंटर भी चालू हो गया अपना, जाओ दिखाता हूँ। मीटर हो गया चालू, 9 नंबर से वॉच कंप्लीट, वॉच कंप्लीट। क्या भैया आ क्यों नहीं रहा है,
नीचे तक वायर लगे, वायर लगे ऐसा क्या? पेपर निकल रहा, पेपर तो सही है। नहीं ऐसा थोड़ी है, कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? अभी तो चेक कर लिया था अच्छा सा। रुको एक बार सेटिंग में भी जाके देखते हैं, रुको एक बार सेटिंग देख लो फिर। फाइनली प्रिंटर चालू हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ है कसम से, इतना मुश्किल हो गया देखो। पूरा 25 ठीक है, बाद में नहीं बोलना कि टूटिया बनाया, बताया नहीं चालू हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारा काम ही है। हम सब मैकेनिक अपने मुंह से तो नहीं बोल रहे, हम एक करता धरता भी है और फोड़ता दौड़ता भी है, बिगाड़े भी हम और सुधारे भी हम। चलो ये काम तो अपना रेडी होगा, फटाफट इस पर टेप मारता हूँ पूरा सिस्टम पर और इसको फिटिंग कर देता हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो गया, एक घंटे से ऊपर लग गया चोरी पकड़ने में कि क्यों हुआ क्या। ये जो नीचे प्लग दिख रहा है ना, ये प्लग, इसमें अंदर एक बाइक टूट गया था, उसकी वजह से सब पूरा प्लान कैंसिल। ठीक है फटाफट फिटिंग कर देता हूँ पूरा, क्योंकि देखो आज टेलर आ गया, रात में तो लोड भी करना है। काम तो हो गया कंप्लीट, बस सोच रहा हूँ फटाफट नहा लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सुबह से, आज गाड़ी में ही लगा हूँ, हालत देखो कैसी हो रही है एकदम। और हाँ सोच रहा था सेविंग करा के आऊँगा, मैं टाइम हो गया अब तो, और सर्दी इतना तेज हो रहा है ना, कुछ पूछो मत कसम से। चलो नहाता हूँ फिर, थोड़ा सा चाय पीने जाऊँगा, फिर चाय का शॉप भी मिलता हूँ सीधा। ठीक है तो लिए मस्त, सोच रहा हूँ फटाफट चाय पी के आ जाऊँ, और मशीन का भी कैलिब्रेशन एलिब्रेशन पूरा करा खड़ा करके ये सामने खड़ा कर रखा है। ठीक है कैलिब्रेशन तो हो गया, मगर इसका थोड़ा सा प्रिंटर का प्रॉब्लम हुआ है, वो भी सॉल्व हो गया, मगर फिटिंग नहीं किया अभी, दो दो प्रिंटर लगा पड़ा है गाड़ी में, एक सीट पर रखा है एक और टकरा हुआ, इसके लिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी तो ओके। नहा ले बड़ी जल्दी, रोज का जब रोज नहा रहा है तो रोज कान नहीं कुदे रोज है। चल चाय पी के आता हूँ फिर मिलता हूँ। बहुत मशीन ने मूड ख़राब कर रखा है कसम से, कुछ मत पूछो, इतना मूड ख़राब हो रहा है मशीन से, सबसे ज़्यादा प्रिंटर का प्रॉब्लम हुआ है। प्रिंटर का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रिंटर का वायर कट हो गया है, जो मीटर से प्रिंटर को जो वायर आता है वो कट हो गया, चूहा कट कर दिया, इसकी वजह से क्या हम ठीक है उसको जॉइंट करके टेप मार के लगा दिया, और बाद में एक एक बार प्रिंटर चल रहा है, एक एक बार नहीं चल रहा है, एक एक बार चल रहा है, एक एक बार नहीं चल रहा है, ये वो प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम साइड पे जाके, क्योंकि सोलर के काम पे जा रही है और उधर जाके प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुश्किल होगा ना, इसकी वजह से सोच रहा हूँ पूरा यहीं से पूरा कंप्लीट करके जब ही भेजेंगे साइड को, नहीं तो फालतू में जाके साइड वाला बोलेगा फ़ोन करके ऐसा भेजा वैसा भेजा, सर को बोलेगा सर हमको बोलेगा, हमारा फिर इंसल्ट है कि कैसा तू रेडी करके भेजा क्या भेजा बोल के मेरे को बोलेगा सर। ठीक है चाय पी के आता हूँ फिर मिलता हूँ। ठीक क्या बोलते, चाय पी के तो बहुत देर हो गया, जब ही आ गया था और खाना बन गया मस्त आराम से, और इसका अभी तक प्रिंटर नहीं आया है। प्रिंटर क्या है, दूसरा साइड से दूसरा गाड़ी का खुलवा के मंगाया है मैंने, ओ प्रिंटर नहीं सॉरी मीटर ही पूरा मंगाया है, क्योंकि प्रिंटर तो इसका अच्छा है, खाली मीटर से केबल जो कट हो रखा है इसकी वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से पूरा मीटर दूसरा का गाड़ी का मंगाया है खोल के, बाकी वो मीटर आएगा तो फटाफट खोल के लगा दूंगा, और उसका भी फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे को, उसमें सब मार्क करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। टेलर भी देखो सुबह तक आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से रात में आता है सुबह आता है, मशीन लोड करके सीधा महाराष्ट्र जाएगा, और अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कौन ऑपरेटर जाएगा, ऑपरेटर दो हैं छोटू है मेरा भाई है बड़ा, अब दोनों में से कौन जाते हैं वो नहीं मेरे को मालूम है। ठीक है खाना बन गया, सोच रहा हूँ खाना खाऊँ फटाफट, और सोच रहा हूँ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। यार क्या बोलते हैं इसका केबल का इतना लफड़ा क्यों हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आज तक मेरे साथ पहले भी हुआ केबल कट हो गया, मगर मैं जॉइंट कर दिया केबल अच्छा भला चला, मगर
ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि प्रिंटर काम नहीं करेगा क्या, समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है। और क्या बताऊँ, किस्मत ही ख़राब है मेरी तो। और एक बार बताऊँ ना, आंध्रा में ठंड नहीं है। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 9 बज रहा है। मैं थोड़ा क्या है, सामने के कैमरे से वीडियो मेरे को बनाना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है और अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा दिखता है कि कुछ गलत सीन तो नहीं हो रहा बोल के। इस वजह से टाइम 9 बज रहा है, मैं ऐसे आराम से ऑफिस में मस्त घूम रहा है। कोई ठंड है ही नहीं है इधर, ठंड नाम की नहीं है। सुबह थोड़ी बहुत पड़ जाए तो पड़ जाए, क्या बोलते, मैं शाम के 6 बजे के समथिंग नहाया हूँ, कोई ठंड थोड़ी है इधर। चलो ये ब्लॉग को यहीं पेंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, ठीक है।